अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोनिशा, मेरे कहने का ये मतलब था कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, इतना जानती हो ना तुम, हो ना इतनी मैच्योर, समझती हो ना इस बात को। आपने इसलिए बुलाया मुझे यहाँ पे डांटने के लिए? तुम्हें पेशेंस नहीं है सुनने की? नहीं सुननी तुझे दीपिका। मनीषा मेरी बात सुनो बेटा, हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे। अगर दुश्मनी किसी के साथ है तो वो है खुशी और उसका परिवार। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना बेटा, आरवी जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बदला है और कुछ नहीं। और इस बात को तुम्हें समझना होगा और इस बात को इतना बड़ा नहीं बनाना है। और जब आरवी के दिल में पूर्वी के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम क्यों बार बार बोलकर उसके माइंड में ये सब बातें डालती हो? और एक बात, तुम बार बार दीपिका से ये क्यों कहती हो कि उसने तुम्हें आरवी और पूर्वी की शादी के बारे में नहीं बताया? बेटा ये सब कुछ एक नाटक है, नाटक, वो भी कुछ दिनों के लिए, जानती हो तुम, राइट? बताया है उसने तुम्हें, बदला पूरा होते इट्स ओवर। तो इस बात के लिए दीपिका को ब्लेम करना बंद करो बेटा। मनीषा वी ऑल लव यू राइट, जानती हो ये बात, तुम ही हमारी पसंद हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं आज भी और आगे भी हमेशा। देखो मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया, आई होप तुम ये बात समझ गई हो, अगर नहीं भी समझ गई हो तो बता दो। नहीं आई गेट इट, समझ गई। क्या? ये कि आप सब मेरे साथ हो। और दूसरी बात, दीदी को ब्लेम नहीं करना है कि उन्होंने मुझे आरवी और पूरी की शादी के बारे में नहीं बताया। गुड गर्ल। बस मुझे जो भी कहना था वो मैंने कह दिया। दीपिका अब तुम कर लो अपनी बहन से बात, समझा दो इसे जिंदगी का सच। आप लोगों ना कहाँ जा रहे? आई फील तुम दोनों बहनें अकेले में खुल के बात कर पाओगी, है ना? और मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह ही दिया। चलती हूँ, सी यू। पूरी पुत्र, रसोई में क्या कर रही है तू? अब तुम्हारे दादू ने फिर से मीठा बनाने के लिए तो नहीं बोला? नहीं दादी, दादू ने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं रास्ते के लिए बना रही हूँ, सफर में खा लेंगे। अब पता नहीं है ना कि होटल कितनी दूर है, रास्ते में कुछ मिलेगा या नहीं, तो मैं सोचा सब कुछ पहले से हाथ में होना तो बेस्ट है। ये बात तो सही है, है ना? सब कुछ कंट्रोल में ही होना चाहिए, और जब पता है इतनी दूर जा रहे हैं, सिचुएशन कुछ भी बन जाए तो एटलीस्ट खाना हो हाथ में। ये बात तो सही है तेरी, अपने कंट्रोल में होना चाहिए सब कुछ। पूरी पुत्र एक काम कर, बेड शीट भी रख ले साथ में। हाँ ठीक है, कहीं होटल ना मिली रास्ते में सोना पड़ा तो। और सब इतनी तैयारियां कर रहे हैं तो एक काम कर पुत्र, एक छोटा सा घेस का चूल्हा भी साथ में रख लेते, है ना? कहीं जंगल बंगल में रुकना पड़ा, फंस गए, कोई आ गया तो उसकी आंखों में डालने के लिए काली मिर्च और नमक भी साथ में रख लेना, वो तो सब्जियों में भी लगेगा ना। अब सब्जियां लेंगे तो साथ में मसाले भी लगेंगे ना पुत्र, है ना? तो थोड़ा सा आटा रख लेना साथ में, और तो ये सबके लिए थोड़े से बर्तन भी लगेंगे पुत्र, तो वो भी रख लेना, है ना? हाँ दादी ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना सब कुछ कैसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।